नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अनुपम सिंह एग्जामपुर बिहार चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम है एग्जामपुर कलम से क्रांति। सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। जो भी मेरे प्यारे साथी हैं, जल्दी जल्दी से जुट जाएंगे। टाइम हो चुका है आपके क्लास का, बन चुके हैं 7 और डेली आप मेरे साथ जुड़ते हैं करंट अफेयर्स। कोई भी डीपीएससी के लिए, बिहार दरोगा के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं, जल्दी जल्दी से आ जाएंगे। हो चुका है आपका टाइम। सो सभी को, सभी का मोस्ट वेलकम जो आ चुके हैं। एंड जो आपके साथी नहीं आए हैं, कोई भी आपका ग्रुप मेंबर है, रिलेटिव है, फ्रेंड है, जिसका भी एग्जाम है, उन्हें भी सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए और सभी साथियों को बुला लीजिए। सो देख लेते हैं कि कौन कौन हमारे साथी जुड़ चुके हैं। या वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, गरिमा शाह आ चुकी हैं, पप्पू कुमार, कृष्णा कुमार भी आ चुके हैं। भाई सभी एक बार शेयर करेंगे सेशन को, सभी को सेशन को शेयर करना है जल्दी से दम लगा के। सभी सेशन को शेयर कीजिए। अनंत कुमार जी भी आ चुके हैं। या वेरी वेरी गुड मॉर्निंग भाई, सभी को बहुत बहुत सुप्रभात। आई होप कि आपका दिन जैसी आपकी मॉर्निंग है वैसे ही अच्छा रहे, आप एनर्जेटिक रहे। जल्दी से अपने साथियों को बुला लीजिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है। बस आपकी सुबह सुबह यही एक छोटी सी ड्यूटी होती है। हाँ जी, आपकी सुबह सुबह यही एक ड्यूटी होती है कि आपको अपने फ्रेंड्स को बुलाना होता है। भाई ये आपकी ड्यूटी ही है कि आप अपने फ्रेंड को साथ लेके चले। अगर आप अच्छे फ्रेंड हैं तो आपकी ड्यूटी है कि आप दूसरे फ्रेंड को भी साथ लेके चले, साथ ही दोनों मंजिल तक पहुंचे। हाँ जी नमस्ते, राधे राधे। डिफेंस वॉरियर भी आ चुके हैं। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। हाँ देखिए भाई, जब तक मेरे सारे साथी नहीं आएंगे मैं क्लास को स्टार्ट नहीं करूंगी, इसमें आपका लॉस है। तो पहले ही आप लोग आ जाया करिए और पहले ही सेशन को शेयर कर दीजिए, ये जल्दी से कीजिए। 5 सेकंड का मैं आपको टाइम देती हूँ, बुला लीजिए सभी को। एंड आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छा भाई आपका स्वास्थ्य है। एंड सही रहिए, अपनी सुरक्षा कीजिए, मीन्स जो भी कोरोना काल चल रहा है भाई उससे बच के ही रहिए। या वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, अंकुश तिवारी भी आ चुके हैं। हाँ जी राधे राधे सभी को, राम राम। हाँ गरिमा, मेरा कमेंट शो हो रहा है। भाई कुमार राकेश पूछ रहे हैं, गरिमा जी से बता दीजिए भाई। गरिमा जी मतलब सुबह सुबह आते ही बातें स्टार्ट, सो स्टार्ट करें जल्दी से, बताइए रेडी हैं आप। जो भी हमारी भाई, जो भी हमारी सुर्खी रही है, जो भी चीजें चर्चा में है उन्हें हम डिस्कस करते हैं। रेडी हैं आप, जल्दी से बता दीजिए। एंड यस, बीच बीच में आपको सेशन को शेयर करते रहना है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, सो दैट यू विल गेट टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन। एंड सेशन को आपको लाइक भी करना है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं, जल्दी से आप शेयर करते रहिएगा बीच बीच में, सो दैट मुझे बोलना ना पड़े। हाँ जी देखिए, आज मैंने थोड़ा फॉर्मेट चेंज किया है, आज मैंने कोई ऑप्शन नहीं रखे हैं, आज आपको ऐसे ही पढ़ना होगा। हाल ही में क्या बोला गया है, पहला हमें जो डिस्कस करना है ये है हाल ही में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। किसकी बात की जा रही है, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात की जा रही है। ये क्या है, चर्चा में है। तो आपको बताना है या आपको जानना है कि जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है एग्जैक्टली है क्या, ये किस चीज से जुड़ा हुआ है। वैसे आप सभी को पता भी होगा तो मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए। अच्छा मैम, मेरा आपने नाम नहीं लिया था इसलिए पूछा। ओके ओके, पप्पू कुराम कुमार, आई एम न्यू स्टूडेंट मैम, मोस्ट वेलकम भाई पप्पू जी। ओके ठीक है, तो बढ़ जाते हैं आगे भाई, बात नहीं करेंगे, हमें लिमिटेड टाइम मिलता है। तो मुझे जल्दी से बताइए कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट एग्जैक्टली किस चीज से रिलेटेड है, आपको पता है या नहीं पता है, जल्दी से मुझे बताइए। एंड ये फोटो आपको क्लियर है तो भी बताइए, ये आप क्या देख रहे हैं भाई, आपको क्लियर है या नहीं क्लियर है, जल्दी से बताइएगा। हाँ जी देखिए, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है ये नए पार्लियामेंट बिल्डिंग से रिलेटेड है। जो नया
संसद भवन बन रहा है, नया जो संसद भवन बन रहा है उससे रिलेटेड है न्यू विस्टा प्रोजेक्ट। इवन इसमें ओनली पार्लियामेंट बिल्डिंग ही नहीं बनाई जा रही है, कम से कम 10 बिल्डिंग्स बनाई जा रही है। जैसे कि क्या है, कुछ बिल्डिंग तो न्यू बनाई जा रही है, जो हमारा संसद भवन है वो क्या है, वो बिल्कुल नया बनाया जा रहा है। और किसके पीछे है, जो पुराना संसद भवन था उसी के जस्ट पीछे, उसी के जस्ट पीछे क्या है भाई, उसी के जस्ट पीछे है ट्राइंगुलर शेप में। पहले जो था, पहले जो संसद भवन था वो कैसा था, वो राउंड शेप में था, और इस बार जो है वो ट्राइंगुलर शेप में है संसद भवन। ये आप देख सकते हैं जो बन रहा है। और मैंने बताया कि इसमें एक बिल्डिंग नहीं बन रही है, जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है इसमें कम से कम 10 बिल्डिंग बन रही है। और कौन कौन सी बिल्डिंग है, जैसे कि हमारा राष्ट्रपति भवन है भी, ये आप देख सकते हैं सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है इसमें कौन कौन सी बिल्डिंग बनाई जा रही है, कुछ का क्या है, कुछ का रेनोवेशन भी किया जा रहा है। और इसमें जो कॉस्ट आएगी, इसके लिए जो सरकार पैसे खर्च कर रही है, वो 20,000 करोड़ इसकी कॉस्ट है जो नया हमारा प्रोजेक्ट बनेगा। सेंट्रल विस्टा है क्या, देखिए आपको ये दिख रहा होगा भाई इमेज में, ये आप क्या देख रहे हैं, आप बोलेंगे कि मैम ये तो इंडिया गेट सा लग रहा है देखने में। हां जी बिल्कुल, ये क्या है, ये इंडिया गेट है। और इंडिया गेट के आगे क्या है, जस्ट आगे है राजपथ। क्या है, राजपथ, जहां हमारे रिपब्लिक की क्या है, रिपब्लिक डे हो उसकी परेड होती है इंडिया गेट के जस्ट सामने। फिर ये आप देखेंगे, ये क्या है, हां जी ये है पुराना वाला पार्लियामेंट बिल्डिंग, और ये है ट्राइंगुलर शेप में अगर आपको दिख रही हो तो नई वाली पार्लियामेंट बिल्डिंग। इसके बाद ये क्या है, ये है सेक्रेटेरिएट, जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है ये है। एंड यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, ये है पीएम बिल्डिंग, जहां भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर रहते हैं। इसके बाद ये है राष्ट्रपति भवन, ये क्या है, ये है राष्ट्रपति भवन। एंड ये है पूरा पीएमओ, ये क्या है पीएमओ। यहाँ पे एक्सटर्नल मिनिस्टर जो जयशंकर प्रसाद है, तो उनकी भी बिल्डिंग है, एक्सटर्नल मिनिस्ट्री की भी बिल्डिंग है भाई, होम मिनिस्ट्री की भी यहाँ पे बिल्डिंग है, लगभग 10 बिल्डिंग है जो मैंने बताई। तो इनको क्या है, इनको रेनोवेट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। और ये पूरा जो एवेन्यू है, ये पूरी जो जगह है, ये एक जस्ट आपको स्ट्रीट टाइप दिख रहा है, जिसकी जो लेंथ है, जिसकी लेंथ कितनी है, 3.2 किलोमीटर है। तो इसे क्या बोला जाता है, इसे सेंट्रल विस्टा रीजन बोला जाता है, सेंट्रल विस्टा रीजन भी बोला जाता है। और एक इसका दूसरा नेम भी है, इसे लुटियंस एरिया भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है, लुटियंस एरिया भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है लुटियंस एरिया, कोई मुझे कमेंट करके एक बार बताएगा कि इसे लुटियंस एरिया क्यों बोला जाता है, क्या रीजन है इसे लुटियंस एरिया बोलने का, मुझे जल्दी से बताइए, फिर हम आगे की सारी बातों की चर्चा करते हैं कि एग्जैक्टली हम सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। हाँ जी जय हिंद सभी को। हाँ अब ट्राइंगुलर है, बिल्कुल सही। जल्दी से एक बार भाई सभी सेशन को शेयर करेंगे, देखिए शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, जल्दी से मुझे ये काउंट जो है ये इंक्रीज होना चाहिए। हाँ जी सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट न्यूज में क्यों है, ये न्यूज में इसलिए है क्योंकि हाल फिलहाल में जो CPWD है, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो है, उसने एक अपनी स्टेटमेंट दी थी या फिर बोला है कि जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है, इसे हम जो 2023 की विंटर्स होंगी, जो विंटर्स होंगी 2023 की, मीन्स जब भारत G20 की क्या कर रहा होगा, चेयरमैनशिप कर रहा होगा, तो उस टाइम तक क्या है, उस टाइम तक जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है यह रेडी हो जाएगा।
क्यों भाई, क्या बोला गया है कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट जो है ये विंटर्स 2023 तक कंप्लीट हो जाएगा, और इसमें कुछ ऐसी बिल्डिंग है जो उससे पहले भी कंप्लीट हो जाएंगी। तो कौन कौन सी बिल्डिंग जो इसमें कंप्लीट होंगी देख लेते हैं। एक तो जो एवेन्यू है सेंट्रल विस्टा का, जो एवेन्यू है एवेन्यू तो कंप्लीट हो जाएगा 2022 की जो गणतंत्र दिवस की परेड होगी, मे बी इसी एवेन्यू में हो। यहाँ पे लिखा गया है कि जो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू है ये 2022 में गणतंत्र दिवस परेड के लिए उससे पहले ही तैयार हो जाएगा। एंड जो नई सांसद बिल्डिंग है, देखिए सांसद भवन भी क्या है 2022 तक कंप्लीट हो जाएगा, नवंबर 2022 तक जो सांसद भवन है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। जो राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन से लेके इंडिया गेट तक जो भी बिल्डिंग फैली है वो कब तक कंप्लीट हो जाएंगी, वो कंप्लीट हो जाएंगी 2023 तक। कब तक कंप्लीट हो जाएंगी, 2023 तक कंप्लीट हो जाएंगी। तो इसलिए हम जान रहे थे कि एग्जैक्टली जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है यह किससे रिलेटेड है। अब क्वेश्चन इज दैट कि ओके सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है 2023 में, ये कंप्लीट भी हो जाएगा, बट इसे बनाने की जरूरत क्या पड़ी जब ऑलरेडी पुराना हमारे पास सांसद भवन है, अच्छा बना हुआ है, तो इसे बनाने की जरूरत क्या पड़ी, क्या जरूरत पड़ी भाई इसे बनाने की, तो ये भी जान लेते हैं। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि भारत सरकार के पास फालतू का पैसा है, उनका मन किया कि नई बिल्डिंग हमें चाहिए तो नई बिल्डिंग बना दी। हाँ जी, देखिए इसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी और ये कब से स्टार्ट हुआ। जो हमारा पुराना सांसद भवन है, जो पुराना पार्लियामेंट है, एक तो उसकी बिल्डिंग बहुत पुरानी है भाई, ब्रिटिश काल की उसकी बिल्डिंग बनी हुई है। 1921 में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग का और 1927 में ये कंप्लीट हुआ था। इतनी पुराने टाइम की बनी हुई है, मतलब कम से कम 100 साल हो जाएंगे, एक शताब्दी इसने पूरी कर ली 2021 में। भाई 1921 से लेके अब तक भूकंप वगैरह भी आए हैं। इवन हमें पता है कि जो लश्कर ए तैयब है, तैयबा है, उसने इस पे अटैक भी किया था। तो जो बिल्डिंग है उसमें क्या है, वो क्या है भाई, कमजोर हो गई है भूकंप के आने से, बिल्डिंग कमजोर हो गई है क्योंकि ब्रिटिश टाइम पे बनाई गई थी, भूकंप रोधी जो नॉर्म्स है वो इसमें यूज नहीं किए गए थे। सेकंड क्या है, सेकंड रीजन है इसमें स्पेस का, क्योंकि हम जानते हैं 2026 तक जो हमारी पार्लियामेंट है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। इसका जो राज्यसभा का हॉल है और जो लोकसभा का हॉल है उनकी जो सिटिंग कैपेसिटी है हाल फिलहाल में वह कम है। जब ज्वाइंट सेशन होता है तो बहुत ज्यादा सिटिंग की क्या है प्रॉब्लम होती है, मतलब बैठने की प्रॉब्लम होती है, इतनी सीट्स वगैरह का वहाँ स्पेस नहीं है। हर चीज क्या है, हर चीज यहाँ पे पार्किंग का भी इश्यू है, क्योंकि भाई ब्रिटिश टाइम पे बनी थी, उस टाइम भारत के लोग इतने धनी नहीं थे कि हर किसी के पास कार हो, बट आज के टाइम पे हर कोई एमपी है, एमएलए है, कोई भी वर्कर है, मोस्ट ऑफ के पास क्या है कार है, तो उस टाइम पे पार्किंग के लिए भी इतना स्पेस नहीं था। इसके बाद क्या है, हाँ जी इसके बाद क्या इशू था, तो मेनली ये सभी इशू थे, ठीक है। तो इनके चलते हुए जो मिनिस्ट्री ऑफ हमारी जो मिनिस्ट्री है उसने 2019 में जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स है, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के जो मंत्री हैं, जो मंत्रालय है, उसके द्वारा ये निर्णय लिया गया 2019 में कि पुराना जो सांसद भवन है उसे ऐसे ही रखा जाएगा और उसकी जगह एक बड़ा नया सांसद भवन बनाया जाएगा। तो इसलिए इस बिल्डिंग का, नए सांसद भवन का निर्माण किया जा रहा है। मैंने आपसे कहा कि इसे लुटियंस इलाका बोला जाता है, तो इसमें जो बिल्डिंग है, जो पुराने सांसद भवन में ये भी पुराना जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट था उसमें जो बिल्डिंग है ये लुटियंस के द्वारा, इसका जो आर्किटेक्चर थे वो लुटियंस
और हर्बर्ट बेकर थे। कौन? हर्बर्ट बेकर। और लुटियंस के द्वारा उनका आर्किटेक्ट आर्किटेक्ट बनाया गया था, इसलिए इस जो वो एरिया था जो मैंने आपको बताया था उसे लुटियंस इलाका बोला जाता है। जल्दी से बताइए क्लियर है या नहीं है। और एक क्वेश्चन और है मेरा आपसे। हाँ जी बिल्कुल सही, जो वास्तुकार है वो कौन है? लुटियंस है, इसलिए लुटियंस इलाका बोला जाता है। एक क्वेश्चन मेरा आपसे और है, जो पुराना पार्लियामेंट था उसका जो स्ट्रक्चर था, उसका जो आर्किटेक्चर है, वह कौन से मंदिर से प्रेरित है? भाई कौन से मंदिर से प्रेरणा मिली कि जो आर्किटेक्चर होगा किसका? पुरानी वाली सांसद भवन की हम बात कर रहे हैं, वो इस टाइप का होगा। तो देख लीजिए भाई, एमपी के मोरेना में 64 योगिनी मंदिर है। इससे प्रेरणा ली गई थी कि अगर स्ट्रक्चर जो होगा पार्लियामेंट का इस टाइप का होगा। ओके हाँ जी, तो पहली चीज यहाँ पे डिस्कस हो चुकी है, पहली जो सुर्खी थी उसके बारे में हमने जान लिया है। अब जल्दी से मुझे बताइए आपको क्लियर है या नहीं है। हमने ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, हमने पुराना पार्लियामेंट की जगह जो नया पार्लियामेंट लाया गया है क्यों लाया गया, क्या उसकी कॉस्ट है, यही पढ़ा। एंड एक चीज और जान लेंगे, जो टेंडर दिया गया है नए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का वो टाटा को दिया गया है। जो टाटा प्रोजेक्ट है वो इस टेंडर को पूरा करेंगे, उन्हें मिला है टेंडर नई बिल्डिंग बनाने का। ओके यस मैम क्लियर है, बिल्कुल सही भाई, दैट्स ग्रेट, यू आर वेरी वेरी गुड मॉर्निंग भाई। कौन आए हैं? अनदीप कुमार जी आए, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, क्लियर है, दैट्स वेरी ग्रेट। तो फिर हम आगे बढ़ जाते हैं अगर आपको क्लियर है, और नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं कि नेक्स्ट चीज हमें क्या जाननी है भाई, क्या है हमारी नेक्स्ट सुर्खी। तो जल्दी से आप सेशन को एक बार फिर से शेयर करेंगे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट आपकी क्लास होती है ये, इससे आपकी स्टैटिक चीजें भी क्लियर हो जाती हैं, करंट तो आपकी क्लियर होती ही होती है, स्टैटिक चीजें भी हम सारी क्लियर कर लेते हैं। ओके सेकंड चीज हमें क्या पढ़नी है भाई, सेकंड चीज वही घूम फिर के एक ही चीज आ जाती है, जैसे कुछ दिन पहले बस कोरोना की बात होती थी, कोरोना कोरोना, और अब क्या है, अब हम एक ही चीज के बारे में पढ़ते हैं। कौन भाई? तालिबान। तो भाई तालिबान ने अब क्या कर दिया देख लेते हैं। डुरंड रेखा, क्या बोला गया है? डुरंड रेखा अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच घर्षण बिंदु है। अच्छा ये देखने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि एग्जैक्टली ये है क्या। ओके देखिए, ये एक स्टेटमेंट दी गई है, ये एक स्टेटमेंट दी गई है, और किसके द्वारा स्टेटमेंट दी गई है? एक स्पोक पर्सन है। कौन है? जबी उल्ला मुजाहिद अफगानिस्तान के एक क्या है? हाँ जी, एक अफगानिस्तान के क्या है, एक स्पोक पर्सन है। तो इन्होंने क्या है, पाकिस्तान के एक पश्तो चैनल को अपनी स्टेटमेंट दी थी। क्या स्टेटमेंट दी थी? कि जो डुरंड रेखा है, डुरंड रेखा किस किस के बीच है? पाकिस्तान और किसके बीच है? पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान के बीच। तो ये क्या है, ये हमारे रिलेशंस के बीच क्या है, बोलते हैं ना कि खटाई आ जाना, मतलब एक फ्रिक्शन का, या फिर एक ऐसा काम कर रही है जिससे जो हमारे रिलेशन है जिन्हें हम मजबूत करना चाहते हैं पाकिस्तान के बीच, बट कर नहीं पा रहे हैं। तो ये स्टेटमेंट वैसे आपको बहुत अजीब लग रही होगी, बिकॉज मैं हूं या कोई और है, हम यही सोचते हैं कि जैसे तालिबान एक टाइप से भाई टेररिस्ट ग्रुप है, तो उसे कौन सपोर्ट करेगा? कि पाकिस्तान उसे 100% सपोर्ट करेगा ही करेगा। बट जब हम इस स्टेटमेंट के बारे में पढ़ते हैं तो हमें कुछ और ही लगता है, सारी चीज जानते हैं कि एग्जैक्टली है क्या।
अब जल्दी से देख लेते हैं कि कौन सी हम लाइन की बात कर रहे हैं और क्या है। ये जो फोटो आप देख रहे हैं भाई, ये यहाँ पे बंदूक लेके खड़े हैं, ये आपको कुछ फेंसिंग टाइप दिख रहे हैं। फेंसिंग टाइप नहीं, एग्जैक्टली ये फेंसिंग ही है। इधर क्या है, ये है पाकिस्तान का बॉर्डर, इधर साइड पाकिस्तान है और इधर साइड क्या है, अफगानिस्तान का बॉर्डर है। इधर अफगानिस्तान का बॉर्डर है और इधर साइड पाकिस्तान का बॉर्डर है। ये यहाँ पे पाकिस्तान का भी एक नौजवान भी खड़ा हुआ है और ये जो फेंसिंग की गई है ये पाकिस्तान के द्वारा की गई है और कोई छोटी मोटी भाई ये फेंसिंग भी नहीं है। 2670 इसकी जो लेंथ है ये 2670 किलोमीटर की है और 500 मिलियन डॉलर इस पर खर्च किए गए हैं पाकिस्तान के द्वारा। कितने भी 500 मिलियन जो डॉलर है वह खर्च किए गए हैं पाकिस्तान के द्वारा कि अफगानिस्तान से कोई भी व्यक्ति कहां ना आ जाए, पाकिस्तान में ना आ जाए। फेंसिंग तो की गई है, ये 13 मीटर इसकी लेंथ है भाई और ये 11 फुट की है, ये 11 फुट की होगी, ये 13 फुट की ऐसी कुछ इसकी लेंथ है। इवन ये जो आपको वायरिंग दिख रही है, इन वायरिंग के बीच में इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो होती है, मतलब कि लाइट भी फ्लो होती है। अगर आप बिना परमिशन के आते हैं या फिर किसी चेकिंग गेट से नहीं आते तो भाई आपको बिजली के शॉक भी लग सकते हैं। इतना पुख्ता इंतजाम जो पाकिस्तान है उसने अफगानिस्तान के लिए किया हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये हाल फिलहाल में किया गया है या पहले से ही ये लाइन थी, तो ये हाल फिलहाल में नहीं किया गया है। डुरंड रेखा जो है ये अभी नहीं खींची गई है, ये ब्रिटिश टाइम की खींची हुई रेखा है, ये हाल फिलहाल में पाकिस्तान ने नहीं खींची है भाई, ये ब्रिटिश टाइम की खींची गई रेखा है। ये आप देख सकते हैं, ये जो आप लाइन देख रहे हैं रेड कलर की जो लाइन है, ये लाइन नहीं ये रेखा है भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है जहां भारत का भी बॉर्डर किससे लगता है भाई, पाकिस्तान से लगता है लगभग 106 किलोमीटर तक, तो वहां से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है, ये ईरान तक जाती है। इधर साइड आप देख सकते हैं अफगानिस्तान है और इधर साइड लाहौर, मतलब कि पाकिस्तान का ही एक सिटी लाहौर है। तो ये अभी नहीं खींची गई है। जिनका काम था डिवीजन करना भाई, जिनका काम था विभाजन करना, जिनकी विभाजन की नीति थी, वो अपनी नीति को अपनाते आए थे कि फूट डालो, जिसकी फूट डालने की नीति थी। आपको कुछ पता चला होगा कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, ब्रिटिशर्स की। किनकी बात कर रही हूँ भाई, मैं ब्रिटिशर्स की बात कर रही हूँ। ब्रिटिश टाइम में ये जो रेखा है ये खींची गई थी और ये एक एग्रीमेंट के थ्रू खींची गई थी। एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ था, डुरंड जो है एक ऑफिसर था, किसका, ब्रिटिश ऑफिसर था और अब्दुल रहमान कौन था, अब्दुल रहमान राजा था अफगानिस्तान में। शॉक वाली न्यूज है या फिर सोचने वाली बात है कि अंग्रेजों के टाइम में अफगानिस्तान में कैसे राजा हो सकता है, क्योंकि अंग्रेजों ने जो आसपास के सारे इलाके थे उन पे अपना राज कर लिया था। तो बिल्कुल सही, अब्दुल रहमान भाई खुद से राजा नहीं बना था, कोई युद्ध जीत के राजा नहीं बना था। 1879 में द्वितीय एंग्लो अफगान युद्ध हुआ था। वैसे विजय तो किनकी हुई थी, विजय इसमें ब्रिटिशर्स की ही हुई थी, बट जो अफगानिस्तान है ये ऑर्गेनाइज नहीं था। आप देख सकते हैं अमेरिका ने इतना ट्राई किया, बहुत सारा अपना पैसा भी वेस्ट किया है अफगानिस्तान में कि जो तालिबान है तालिबान को खत्म करने के लिए, बट एग्जैक्टली होता क्या है, जो तालिबान है या कोई भी यहाँ पे ग्रुप है
वो ऑर्गेनाइज नहीं है, वो एक जगह लोग रहते ही नहीं है कि उन्हें खत्म किया जा सके। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी यही था कि जो अफगानिस्तान था वो कबीलों में बटा हुआ था, और ये लोग कैसी नीति अपनाते थे, जो गोरिल्ला नीति हम बोलते हैं युद्ध की, वैसी नीति अपनाते थे। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि इन्हें ऑर्गेनाइज करना या इनके ऊपर हम क्या है अपना राज करें तो हमारा बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा, इवन मूड भी अपसेट होगा। तो उन्होंने द्वितीय अफगान युद्ध के बाद जो एरिया था, जो अफगानिस्तान था, इसकी जिम्मेदारी किसे दे दी? भाई इसकी जो जिम्मेदारी है ये अब्दुल रहमान को दे दी थी। क्लियर है आपको चीजें? पहले मुझे बताइएगा, जो मैं आपको ये सारी चीजें भाई बता रही हूँ वैसे एक स्टोरी लग रही होगी, बट ये हिस्ट्री है डुरंड रेखा की, सारा गेम अमेरिका का ही है मैम। हाँ भाई, मुझे नहीं पता कि गेम किसका है क्या नहीं, बट हम बस एक हिस्ट्री जान रहे हैं कि ब्रिटिशर्स ने अफगानिस्तान के ऊपर रूल क्यों नहीं किया था। वैसे रूल पूरा भाई उन्हीं का था, क्योंकि जो अब्दुल रहमान है वो जस्ट एक पपेट की तरह काम करता था। अब्दुल रहमान को ये इलाका दिया तो गया था, बट वो क्या है, वो जस्ट एक पपेट की तरह काम करता था। सारे जो डिसीजंस हैं वो किसके द्वारा लिए जाते थे? ब्रिटिशर्स के द्वारा ही लिए जाते थे। एक और मैप हम देखेंगे, एक मैप और देखेंगे यहाँ पे, यहां से आपको कुछ और भी चीजें क्लियर होगी। हाँ जी, तो किस लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं हम? इस लाइन के बारे में पढ़ रहे हैं, इधर क्या है अफगानिस्तान है, और अफगानिस्तान के जस्ट ऊपर है तुर्कमेनिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, तजाकिस्तान है। उस टाइम ये किसका भाग हुआ करते थे? भाई उस टाइम ये डिवाइड नहीं हुए थे, उस टाइम ये रशियन फेडरेशन थी। मीन्स जो अफगानिस्तान है अब वो किस किस के बीच में है? रशियन फेडरेशन के बीच में है, और इधर से पाकिस्तान के बीच में है। तो इसे फिर क्या बोला गया? मीन्स ये किसका काम करता था? ये बफर स्टेट था। जैसे आज के टाइम में जो भूटान है, भूटान को चाइना और भारत के बीच में क्या बोला जाता है? बफर स्टेट बोला जाता है। वैसे उस टाइम पे जो अफगानिस्तान था ये भी बफर स्टेट था, किस किस के बीच में? जो रशियन फेडरेशन थी एंड जो पाकिस्तान का, उसके बीच में बफर स्टेट का काम कर रहा था। बफर स्टेट का मतलब क्या होता है? मतलब ये कि अगर ये देश, अगर रशिया फेडरेशन है, वो कोई भी भाई हानि पहुंचाती है किसे? अफगानिस्तान को, तो अफगानिस्तान कुछ नहीं बोलता। जो भाई ब्रिटिश थे, जो ब्रिटिश ब्रिटिश इंडिया में बैठे हुए थे, वो आगे जाते थे कि ये हमारा एरिया है, हम इसकी सुरक्षा करेंगे, आप अफगानिस्तान को कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसी टाइम पे, ब्रिटिशर्स के टाइम पे यह रेखा खींची गई थी, डुरंड लाइन खींची गई थी। यहाँ क्या है, देखिए यहाँ हिंदू कुश की पहाड़ियां हैं, हिंदू कुश पर्वत है यहाँ पे, तो यहाँ से स्टार्ट की थी और कहाँ तक? ईरान तक खींची गई थी, कि इधर वाला जो एरिया है वो अब्दुल रहमान को दे दिया गया कि हम इस एरिया को आपको सौंपते हैं, और इधर साइड कौन थे? इधर साइड जो आज पाकिस्तान आपको दिख रहा है, उस टाइम एग्जैक्टली थे क्या? उस टाइम ये ब्रिटिश इंडिया था, क्योंकि 1879 की ये बात है, भारत और पाकिस्तान तो 1947 में बने थे। तो ये पूरी हिस्ट्री है डुरंड रेखा की। सो मेरा बताने का तात्पर्य ये था कि डुरंड रेखा जो है ये अभी की नहीं खींची गई है, ये ब्रिटिश टाइम की ही खींची गई है। बस अब क्या है, अब तो पाकिस्तान ने अपना जो पैसा है उसे इन्वेस्ट किया है इसकी फेंसिंग में। जल्दी से बताइए, आपको ये सारी चीजें जो है क्लियर है या नहीं है? जल्दी से बताइए, ये चीज आपको आपको क्लियर है या नहीं है? और इधर साइड यहाँ इसमें पख्तून इलाका पड़ता है, जो पाकिस्तान का और जो अफगानिस्तान के बॉर्डर पे, ये जो रेड सा एरिया आपको दिख रहा है, रेड वाला पार्ट, इसे पख्तून इलाका बोलते हैं। पख्तून इलाका, स्टार्टिंग में जो मैं क्वेश्चन बता रही थी, स्टेटमेंट मैंने बताई कि पख्तून चैनल को क्या है उसने स्टेटमेंट दी है, तो ये वाला जो एरिया है ये पख्तून एरिया है,
जो बॉर्डर है एग्जैक्टली किसका, पाकिस्तान का और अफगानिस्तान का। अच्छा, बफर का मतलब क्या होता है? हाँ जी, बफर स्टेट मैंने आपको बताया था, बफर स्टेट का मतलब होता है कि वो अपने आप में सोवरिन होता है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको भूटान का बताऊं, नेपाल, नेपाल का एग्जाम्पल ले लीजिए भाई। जो नेपाल है वह अपने आप में सोवरिन भी है, बट उसकी सुरक्षा की जो जिम्मेदारी है वो किसकी है, वो भारत की है। नेपाल को अगर कुछ भी होगा, चाइना नेपाल पे अटैक करता है, तो नेपाल कोई डिसीजन नहीं लेगा। कौन है उसकी सुरक्षा, कौन करता है? भारत करता है। कहने को उस वो अपने आप में सोवरिन है, बट जहां बात आती है सुरक्षा की या अन्य कोई देश उस पर अगर हमला कर दे तो कौन जाएगा सबसे आगे? भारत खड़ा हो जाएगा कि हमने इसकी जिम्मेदारी ली है, आपको क्या है अगर नेपाल तक पहुंचना है तो मेरे से होकर गुजरना पड़ेगा। ये होता है बफर स्टेट। दो देशों के बीच में एक ऐसा देश जो अपने आप में कहने को तो सोवरिन है, बट उसकी जो सुरक्षा है वो किसके द्वारा की जाती है? अन्य किसी देश के द्वारा की जाती है, इसे बफर स्टेट बोलते हैं। हाँ जी, क्लियर है? ओके, क्लियर है। तो अब देख लेते हैं पूरी सारी जो स्टेटमेंट मैंने बात की थी, स्टेटमेंट एग्जैक्टली और क्या क्या इस स्टेटमेंट में बोला गया है। देखिए, इसमें बताया गया है, पश्तो चैनल को उसने बताया कि अफगान डुरंड रेखा पर पाकिस्तान द्वारा बनाई गई जो भी बाड़ है, बाड़ क्या है, जो फेंसिंग की गई है, उसका विरोध करता है। नई अफगान सरकार इस मुद्दे पर अपनी स्थिति की घोषणा करेगी। जो बाड़ है उसने ये भी कहा गया है कि जो फेंसिंग लगाई गई है भाई, उसने लोगों को अलग कर दिया है और परिवारों को विभाजित कर दिया है। मींस उनका कहने का मतलब ये है कि हम कोई बॉर्डर नहीं चाहते अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। हम क्या चाहते हैं भाई, एक सुरक्षित और शांतिपूर्ण माहौल बनाना चाहते हैं। और ये जो बॉर्डर आपने खींचा है, जो तार वार लगा दिए हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो कर दी है, उसका क्या है, उसका हम अवरोध करते हैं। हमें कोई ऐसे अवरोध अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में नहीं चाहिए। तो ये बोला गया है किसके द्वारा भाई? तालिबान के द्वारा। पता नहीं कि एग्जैक्टली तालिबान का फेस क्या है, क्योंकि कभी तो वो बोलता है कि मुझे भारत से शांतिपूर्ण रिलेशन रखने रखने हैं, और इधर वो अपोज कर रहा है कि पाकिस्तान कोई बॉर्डर ना लगाए। तो एग्जैक्टली पाकिस्तान जो तालिबान है भाई, करना क्या चाहता है ये अभी हमें भी नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। ओके, तो ये तो एक चीज हो गई जो हमें जाननी है तालिबान से रिलेटेड। एक और चीज हमें जाननी है, हाँ जी, तालिबान से रिलेटेड बस एक चीज और हमें जाननी है। आप देख भी रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे, जहां तालिबान कमजोर पड़ गया है। देखिए, अफगानिस्तान में पंजशील एक क्या है, इलाका है, या फिर इस इलाके को हम एंटी तालिबान भी बोल सकते हैं, एंटी तालिबान भी बोल सकते हैं। बिकॉज जो तालिबान है उसने अफगानिस्तान की हर एक जगह पर अपना कब्जा कर लिया है, काबुल पर भी अपना कब्जा कर लिया है, बट पंजशील बस एक ऐसी जगह है जहां अफगानिस्तान का, सॉरी, जो तालिबान है उसका राज नहीं है। बट कुछ दिन पहले ही, कल या परसों की बात है, कुछ दिन पहले ही जो तालिबान है भाई, उसने अपनी थोड़ी चाल चली और उसने अनाउंस कर दिया कि पंजशील पर भी हमने क्या है, हमने अपना अधिकार कर लिया है। फिर जो एंटी तालिबान ग्रुप है, मीन्स जो पंजशील के जो भी वहां के केयर टेकर हैं या जो भी वहां राज कर रहे हैं भाई, उन्होंने अनाउंसमेंट की कि ऐसा कुछ नहीं है कि जो पंजशील है वो तालिबान का इलाका है, अभी भी पंजशील हमारे ही अधिकार में है। तो एक विवाद का कारण बना हुआ है, या ये बोल सकते हैं जो पंजशील है, पंजशील में क्या है, तालिबान का राज नहीं आ रहा है, इसलिए तालिबान थोड़ा बौखलाया हुआ है कि हमें यहाँ पर भी राज करना है। तो अगर पूछा जाता है जो पंजशील है वह कहाँ है, तो पंजशील आपके अफगानिस्तान में है, याद रखिएगा। ओके, क्लियर है, सारा कुछ क्लियर है, तो आगे बढ़ जाते हैं। बिल्कुल सही भाई, पंजशील, हाँ जी बिल्कुल सही।
हाँ जी, तालिबान का कब्जा नहीं हुआ है कुमार राकेश, बिल्कुल बिल्कुल सही। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग रितु कुमारी, जल्दी से एक बार शेयर करेंगे, जो भी आपके फ्रेंड्स नहीं आए हैं उन्हें बुला लेंगे और अब बढ़ेंगे थोड़ा भाई जल्दी जल्दी। जो हमारी इंटरनेशनल न्यूज थी, इंटरनेशनली इसमें एक नेशनल भी थी, बट जो इम्पोर्टेंट बहुत ज्यादा हमें डिस्कस करना था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब आ जाते हैं जो थर्ड आर्टिकल हमें पढ़ना है, थर्ड चीज जो हमें जाननी है। पंजाब ने नवाचार की सांस ली, ओके। धान की पराली के लिए उपयोगी खोजे, ओके। भाई कहना क्या चाहता है ये आर्टिकल, पराली के बारे में कुछ है। पंजाब, पंजाब भी बताया है इसमें, और क्या बताया है कि एक इनोवेटिव क्या है, एक इनोवेटिव स्टेप लिया गया है पंजाब के द्वारा। अब एग्जैक्टली चीजें क्या है सारा कुछ जानते हैं। हाँ जी, पराली आप जानते हैं, पराली क्या होता है। पराली होता है जो आपकी फसल, जब आप फसल उगाते हैं और उसे काट लेते हैं, तो काटने के बाद जो वेस्ट बचता है इसे क्या बोला जाता है, इसे पराली बोला जाता है। और भाई पंजाब के लोग क्या करते हैं, जैसे अब ये उगाएंगे कुछ टाइम बाद, कौन सी, रबी की फसल। अब रबी की फसल इन्हें उगानी है, बट उससे पहले इस वेस्ट को भी, इन्हें क्या है, वेस्ट का भी काम करना है, मतलब इसे खत्म करना है। तो ये क्या है, ये अपना शॉर्टकट अपनाते हैं, और शॉर्टकट में करते क्या है कि इस पराली को जला देते हैं। ये जो भी क्रॉप वेस्ट बचता है उसे जला देते हैं। इन्हें तो ये शॉर्टकट लगता है, बट इससे बहुत ज्यादा हानि पहुंचती है, बहुत बड़े लेवल पे एक पॉल्यूशन होता है, पॉल्यूशन भी होता है। सेकंड चीज, इससे जो मिट्टी है, जो मृदा है, उसमें जो नमी रहती है वह नमी भी खो जाती है। तो इनडायरेक्टली वैसे ये हार्मफुल किसानों के लिए ही है, क्योंकि मिट्टी इनकी खराब हो जाती है, बट फिर भी ये लोग इसे जलाते हैं, ओके। अब क्या है, पंजाब, जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने कहा कि ऐसे काम नहीं चलेगा, ये लोग तो मानने वाले नहीं है, चाहे हम कितना भी फाइन लगा ले, कोई भी नॉर्म्स इनके लिए लगा दे। तो पंजाब गवर्नमेंट ने कहा है, क्या कहा है, कि हम ऐसी इंडस्ट्री सेटअप करेंगे, इंडस्ट्री है भाई वो सेटअप नहीं की जाएंगी। पंजाब गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि जो हाल फिलहाल में कुछ इंडस्ट्रीज हैं, जैसे कि चीनी उद्योग है, या जहाँ पल्प बनता है, कागज बनता है, और भी जो उद्योग हैं, उनमें क्या है, उनमें हम ऐसे बॉयलर लगाएंगे, ऐसे बॉयलर लगाएंगे जो किससे चलेंगे भाई, जो चलेंगे पराली से। मतलब कि ऑलरेडी देखिए, ऐसे इंडस्ट्री जहां बॉयलर यूज होते हैं, बॉयलर यूज होंगे, नॉट एन इश्यू, बट क्या है, उन बॉयलर को जो हीट दी जाएगी, मीन्स जो पराली है उसे एज ए फ्यूल यूज किया जाएगा। और इससे किसका फायदा है, इससे किसानों का भी फायदा है, जो इंडस्ट्रीज है उसका भी फायदा है। भाई किसान जो पराली को बेचेंगे तो उन्हें पैसा मिलेगा, एंड जो इंडस्ट्रीज है उन्हें सरकार देगी सब्सिडी, उन्हें कुछ सरकार क्या है, सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। तो इसीलिए जो पंजाब गवर्नमेंट है उसका बहुत ही बड़ा ये क्या है, एक इनोवेटिव स्टेप है। 25 टन पर आवर, मीन्स ऐसे बॉयलर, देखिए ऐसे बॉयलर जो क्या है, स्टीम, जो स्टीम क्या है प्रोड्यूस करते हैं, कितनी, 25 टन पर आवर से ज्यादा की जो स्टीम प्रोड्यूस करते हैं। तो हर किसी ऐसी इंडस्ट्री को जोड़ा जाएगा, स्टार्टिंग में तो कुछ कम इंडस्ट्री है जिन्हें सब्सिडी प्रोवाइड की जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखा गया है, भूसे के उठाव को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने पहले आओ पहले पाओ के आधार पर 50, कितने, हाल फिलहाल में जो पंजाब गवर्नमेंट है उसने 50 जो इंडस्ट्रीज है उन्हें शामिल किया है, और जिन्हें 25 करोड़ की संचयी वित्तीय प्रोत्साहन, मीन्स जो इंसेंटिव है 25 करोड़ का हाल फिलहाल में दिया गया है। तो एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है ये पंजाब के द्वारा, बोल सकते हैं कि एक इनोवेटिव जो माइंड है पंजाब सरकार ने लगाया है। भाई पंजाब के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं,
हाँ जी, पंजाब के चीफ मिनिस्टर कौन है जल्दी से मुझे बता दीजिएगा, और गवर्नर कौन है मुझे ये भी बता दीजिएगा जल्दी से बता दीजिएगा। पंजाब के जो गवर्नमेंट गवर्नर है, भाई गवर्नमेंट गवर्नर तो मैंने हाल फिलहाल में ही आपको पढ़ाए थे, बनवारी लाल पुरोहित। बनवारी लाल पुरोहित यहाँ के हाल फिलहाल में नए राज्यपाल बने हैं। चीफ मिनिस्टर कौन है मुझे जल्दी से बताइए भाई, चीफ मिनिस्टर कौन है पंजाब, और यहाँ की कैपिटल है चंडीगढ़। चीफ मिनिस्टर बताइए पंजाब के, और आगे बढ़ जाते हैं फिर। हाँ जी, स्टबल, जो पराली होती है उसे इंग्लिश में स्टबल बोला जाता है। स्टबल बर्निंग क्या होती है ये मैंने आपको बता दिया है, आप पीडीएफ से पढ़ लेंगे अगर कोई आपको और भी डाउट है तो। वैसे आई होप कि डाउट तो नहीं होगा। हाँ जी, टाइम कितना हो चुका है? ओके भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। बनवारी लाल पुरोहित जो भाई बनवारी लाल पुरोहित बता रहे हैं ये गवर्नर है, थोड़ा जल्दी से बढ़ते हैं और जानेंगे। हाँ जी, क्या जाना है? कोमोडो ड्रैगन। ओके, 28% ऑफ 1,38,000 एक्सटिंक्ट, मीन्स कोमोडो ड्रैगन जो है वो 1,38,000 थे, जिनमें से क्या है 28% विलुप्त हो चुके हैं। एग्जैक्टली कोमोडो ड्रैगन है क्या एंड न्यूज में क्या है जल्दी से देखते हैं। देखिए, एक रिपोर्ट निकाली गई है, एक रिपोर्ट निकाली गई है किसके बारे में? एक रिपोर्ट निकाली गई है कोमोडो ड्रैगन, ये जो आप देख रहे हैं इसे किसकी तरह ये दिख रहा है आपको? आप बोलेंगे मैम एक बड़ी छिपकली की तरह दिख रहा है। बिल्कुल सही भाई, एक बड़ी छिपकली की तरह ही दिखता है ये कोमोडो ड्रैगन, बस छिपकली से बहुत बहुत बड़ा है। इवन इतना बड़ा है कि ये भैंस तक को खा जाता है, भैंस तक को ये खा जाती है छिपकली। इवन आपसे बोला जाए कि पृथ्वी पर सबसे बड़ी जो छिपकली है वह कौन है, तो वह कोमोडो ड्रैगन ही है। एंड ये कहाँ पाई जाती है? ये इंडोनेशिया के जो इलाके हैं, भारत में नहीं, जो इंडोनेशिया के इलाके हैं उनमें ये कोमोडो ड्रैगन जो है पाया जाता है। एंड देखिए, कोमोडो ड्रैगन जो है ये अपने अंदर से एक प्रकार का ऐसा पॉइजन निकालता है जो एंटी कॉगलेंट का काम करता है। एंटी कॉगलेंट का क्या मतलब है कि अगर इसका जो पॉइजन है भाई, इसने मान लो किसी भैंस भैंस का ये शिकार करती है, इसने किसी भैंस को काटा, काटेगी तो वहां पे इसका पॉइजन भी जाएगा इसकी सलाइवा के थ्रू, तो उस पॉइजन से क्या है उसके ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती, ब्लड निकलता ही रहता है, निकलता ही रहता है, और जो इसका शिकार है फिर उसकी हो जाती है मृत्यु। तो एंटीकोगुलेंट टाइप का क्या है, ये अपने अंदर से एक पॉइजन निकालता है अपने शिकार को मारने के लिए, जो ये आपको दिख रही है जिसे आप छिपकली समझ रहे हैं। तो रिपोर्ट में बोला क्या गया है कि जो कोमोडो ड्रैगन है इनकी इनकी जो भाई संख्या है उनमें कमी देखने को मिल रही है। मीन्स IUCN जो है, जो रिपोर्ट निकालता है उसने कहा है कोमोडो ड्रैगन अभी तक 1,38,000 के करीब थे, अब क्या है अब इनके साइज में कमी देखने को मिल रही है। और मैंने बताया कि इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, और इंडोनेशिया में इसलिए कोमोडो कोमोडो एक नेशनल पार्क भी है और जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल भी है। सो अगर आपसे पूछा जाता है कि कोमोडो जो नेशनल पार्क है ये कहाँ है, तो ये पड़ता है आपका इंडोनेशिया में, और कोमोडो ड्रैगन के लिए ये बहुत ज्यादा फेमस है। इसका जो साइंटिफिक नेम है कोमोडो ड्रैगन का ये है वरुनस, ये क्या है वरुनस कोमोडोनेसिस, वरुनस कोमोडोनेसिस इसका साइंटिफिक नेम है। आई होप कि आपको सारी चीज क्लियर होगी कि कोमोडो ड्रैगन एग्जैक्टली है क्या, एंड ये हमारे लिए जानने का विषय क्यों था। हाँ जी, और इसका स्टेटस क्या है, ये वर्नलेबल जो कैटेगरी है IUCN की। हाँ जी, स्टेटस क्या है इसका, कमजोर स्थिति है, मीन्स वल्नरेबल इसका स्टेटस है IUCN के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी।
ऐप स्टोर भुगतान पर प्रभुत्व को खतरे में डालने वाले पहले कानून से गूगल एप्पल प्रभावित। हाँ जी, देखिए देखने में तो आपको पता नहीं कैसा आर्टिकल लग रहा होगा, समझ में ही नहीं आया होगा कि एग्जैक्टली ये है क्या, बट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इवन हमारे लिए भी बहुत जानने का विषय है। जानने का विषय कैसे है, यहाँ पे किसकी बात की जा रही है, एप्पल की बात की जा रही है, और किसकी बात की जा रही है, गूगल, गूगल एंड एप्पल की बात की जा रही है। दैट्स ग्रेट भाई, ठीक है, देख लेते हैं गूगल और एप्पल ने क्या किया है। और यहाँ पे प्ले स्टोर की भी बात की जा रही है या ऐप स्टोर की भी बातें की जा रही है। तो देखिए भाई, आप एंड्रॉइड फोन एंड आप कौन सा फोन यूज करते हैं, एप्पल फोन यूज करते हैं, आपको कोई भी एप्लीकेशन अगर इंस्टॉल करना होता है तो या तो आप ऐप स्टोर से करते हैं या फिर आप करते हैं प्ले स्टोर से। किससे करते हैं भाई, आप गूगल खोलते हैं तो गूगल के तो प्ले स्टोर पे जाते हैं, और अगर आप एप्पल यूज कर रहे हैं, आईफोन यूज कर रहे हैं, तो आप जाते हैं ऐप स्टोर पर, ठीक है। हाँ जी, अब देखिए, मान लो जैसे एग्जाम्पुर है, एग्जाम्पुर का अपना कोई एप्लीकेशन बनता है, ओके ग्रेट, एप्लीकेशन बनता है, आप कोर्स परचेज करते हैं, दैट्स ग्रेट, आप पढ़ते हैं तो कोर्स भी परचेज करेंगे, बट जब आप कोर्स परचेज करते हैं किसके थ्रू करते हैं, एप्लीकेशन के थ्रू परचेज करते हैं, ओके एप्लीकेशन के थ्रू आपने परचेज किया, और पेमेंट कहाँ जाती है, एग्जाम्पुर को जाती है। यही समझते हैं ना आपकी पेमेंट किसे जाती है, पेमेंट एग्जाम्पुर को नहीं जाती, बट नहीं, एग्जैक्टली ऐसा नहीं होता। जब आप पेमेंट करते हैं तो आप पेमेंट गेटवे यूज करते हैं, और जो पेमेंट गेटवे होता है वो किसका होता है, वो गूगल का होता है भाई। एंड्रॉइड प्ले स्टोर से अगर आपने एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है तो आप पेमेंट गेटवे जो यूज करते हैं ये गूगल का यूज करते हैं, ओके ग्रेट। और अगर आपने एप्पल ऐप स्टोर से अगर किसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल किया है और आप पेमेंट कर रहे हैं तो आप पेमेंट गेटवे यूज करते हैं, किसका, एप्पल का। तो देखिए भाई, एप्पल ने तो काफी टाइम पहले ही क्या है, 30% का क्या है, चार्ज लगा दिया था। मतलब कि एप्पल की पॉलिसी है, अगर आप ऐप स्टोर से कोई ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं, उससे पेमेंट कर रहे हैं, तो पेमेंट गेटवे के थ्रू पहले जो पेमेंट होगी वह एप्पल को होती है, एप्पल 30% अपना कमीशन लेता है, उसके बाद किसे जाएगा, उसके बाद जाएगा भाई एग्जाम्पुर को। तो ये पहले तो एप्पल की पॉलिसी थी, और अब सेम जो पॉलिसी है ये अनाउंस करती है गूगल ने कि 30% हमें देना पड़ेगा, उसके बाद आप लेंगे। तो जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज है उसको भी ये एक बहुत बड़ा झटका है, और सबसे बड़ी तो ये मार किसको है, सबसे बड़ी मार हमको है, हमको भी है, या फिर भाई एग्जाम्पुर जैसे भाई कोई कंपनी है, ठीक है भाई, कोई भी कंपनी है वह तो अपना पैसा वसूलेगी, किससे वसूलेगी, एंड यूजर से। उसका कोर्स 1000 का है, 30% अगर उसे गूगल को देने हैं तो ऐड करके हमें महंगे में कोर्स भाई बेचेगी, बिल्कुल भाई कंपनी अपना लॉस थोड़ी करेगी, बट एग्जैक्टली मार किसको पड़ेगी, एग्जैक्टली मार हमको पड़ेगी। तो ये जो एप्पल और गूगल की पॉलिसी आई है, इसका साउथ कोरिया ने विरोध किया है, इसका क्या है, साउथ कोरिया ने विरोध किया है कि हम एप्पल और हम गूगल दोनों को ही यूज नहीं करेंगे, क्योंकि पैसे हमें नहीं देने, ठीक है। तो ये पॉलिसी है जिनका विरोध किया गया है साउथ कोरिया के द्वारा, जो अपने आप में भाई एक बहुत ज्यादा संपन्न देश है, कि हम अपना ही कोई टेक्नोलॉजी ले आएंगे, अपनी ही कोई ब्रांड ले आएंगे, बट हमें एप्पल और यूजर जो गूगल है उसकी क्या है, उसकी ये टर्म्स एंड कंडीशन बिल्कुल भी मंजूर नहीं है। तो जल्दी से बताइएगा, क्लियर है आपको सभी कुछ। हाँ जी, क्लियर है आपको या नहीं भाई, गूगल के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं, गूगल की जो स्थापना की गई थी 1998 में की गई थी, कैलिफोर्निया में इसका हेडक्वार्टर है, सुंदर पिचाई इसके सीईओ हैं, और जो इसके फाउंडर थे वो थे लैरी पेज एंड सर्जे ब्रिन गूगल के। अगर हम एप्पल की बात करें तो एप्पल की स्थापना कब हुई थी भाई, एप्पल की जो स्थापना है 1976 में की गई थी, इसका भी हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया में है,
टिम कुक इसके सीईओ है। कौन है? टिम कुक। एंड स्टीव जॉब्स इसके फाउंडर है एप्पल के। इतनी बातें आपको याद रखनी है कि गूगल की एंड एप्पल की एग्जैक्टिव पॉलिसी क्या है। नेक्स्ट नेक्स्ट चीज हमें क्या जाननी है, देखिए यहाँ पे आप देख भी सकते हैं दक्षिण कोरिया की, हाँ जी दक्षिण कोरिया की जो नेशनल असेंबली है, असेंबली द्वारा एक बिल पारित, एक बिल दुनिया में पहला ऐसा बिल है जिसने टेक दिग्गजों के प्रभुत्व को इस बात पर चोट पहुंचाई कि उनके प्लेटफॉर्म पर एप्स अपने डिजिटल सामान कैसे बेचते हैं। ठीक है, और मून जे इन कौन है भाई? अभी जो सरकार है मून जे इन के हस्ताक्षर के बाद ये जो बिल पास हुआ है ये क्या है? ये कानून बन जाएगा, ये एक्ट भी बन जाएगा, मतलब कि पारित हो चुका है बिल कहां? साउथ कोरिया की असेंबली में। बस मून जे इन के हस्ताक्षर की देरी है और ये एक्ट बन जाएगा कि कोई भी पैसा जो साउथ कोरिया है वो गूगल और एप्पल को नहीं देगा। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? मिस्ट्री फीवर स्प्रेड टू अदर डिस्ट्रिक्ट इन यूपी, एक्सपर्ट कॉल इट वेक्टर बोन स्क्रब टाइफस। स्क्रब टाइफस किसकी बात की जा रही है भाई? स्क्रब टाइफस, लोग कह रहे हैं कि एक बुखार है, एक मिस्ट्रियस क्या है, बुखार है और कहाँ फैल गया है? यूपी में फैल गया है, बट एग्जैक्टली ये बुखार नहीं है, इस डिजीज का जो नाम है स्क्रब टाइफस है। स्क्रब टाइफस के भाई केसेस देखे गए हैं, कहाँ देखे गए हैं? उत्तर प्रदेश में देखे गए हैं। स्क्रब टाइफस होता क्या है और ये किससे फैलता है? हाँ जी देखिए, ये आपको दिख रहा है फोटो में, ये क्या है? जो आपके पेट होते हैं, आपके पास अगर डॉगी है या आपके पास कोई मवेशी वगैरह है, गाय भैंस वगैरह है, तो आप उनके देखते हैं कि एक टीक, वैसे इसे बोलते हैं और अपनी देसी भाषा में लोग और कुछ भी बोलते हैं, तो जो टीक होती है उसके थ्रू ये इन्फेक्शन फैलता है। भाई टीक आपके किसी जानवर के है, फिर जानवर से क्या है? जानवर से ये बरसात के मौसम में बहुत ज्यादा पनपती है, पेड़ों के जो पत्ते होते हैं उनमें भी चली जाती है। जब आप अपनी फसल काटने जाते हैं तो ये क्या है, ये फिर हमारे संपर्क में आती है और इससे क्या है, इसके बैक्टीरिया से हमें क्या है, हमें रोग हो जाता है, मतलब हमें खांसी बुखार ऐसे सिम्टम्स दिखने लगते हैं, एलर्जी भी हो जाती है। ये जो आप फोटो में देख रहे हैं, मतलब ऐसे धब्बे पड़ जाते हैं जैसे सिगरेट के धब्बे नहीं होते कि किसी सिगरेट से आपको जला दिया हो, ठीक है? तो इस टाइप का इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है और यूपी में ज्यादातर ये देखने को मिल रहा है, कई डिस्ट्रिक्ट में इससे मौतें भी हुई है लोगों की, अफेक्टेड लोग भी देखे हैं। तो इसे क्या बोला जा रहा है? इसे बोला जाता है स्क्रब टाइफस। ये क्या है? स्क्रब टाइफस। और इसके सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स मैंने आपको बता दिए, इसे बुखार वगैरह के साइन आपको देखने को मिलते हैं। हाँ जी हाँ, ये देख सकते हैं फिरोजाबाद और यहाँ पे बहुत ज्यादा पेशेंट पाए गए हैं, मीन्स यूपी में स्क्रब टाइफस आपको देखने को मिल रहा है। टाइम हो चुका है नेक्स्ट क्लास का, तो हमने बहुत कम चीजें ही डिस्कस की, सारी चीजें हम कल डिस्कस करेंगे। हाँ जी, तो जल्दी से बताइएगा, स्क्रब टाइफस एक तरह के चेचक के समान, सारी पैर धब्बा। हाँ जी बिल्कुल सही, शरीर पर पैर और बिल्कुल धब्बे हो जाते हैं इससे, बिल्कुल सही। ओके सो यही आपसे विदा लेते हैं भाई, नेक्स्ट क्लास का हो चुका है टाइम। एंड यस, कल आप लोग जब भी आएंगे उससे पहले शेयर करके आएंगे, सो देट हमें टाइम ना लगे, कि शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स को, बुलाइए भाई, टाइम से सभी को आना है और अपने फ्रेंड्स के साथ आना है, ठीक है? शेयर करके आना है सेशन को। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो जल्दी से कर दीजिए। यही हम आपसे विदा लेते हैं, अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।